हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बीन्स की सब्जी। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग साथ साथ बने रहिएगा। ये मैंने 1 केजी बीन्स ले लिया है, इसे धो के कट कर लिया है मैंने। ये मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देती हूँ, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देती हूँ। ये मैंने प्याज लहसुन मिर्ची कट करके रख लिया है, लहसुन डाल देती हूँ, प्याज भी डाल देती हूँ साथ में, और इसे मिक्स कर देती हूँ, साथ में पक जाएगी प्याज। इसे मैं मिर्ची डाल देती हूँ, 1 इसे भी मिक्स कर देती हूँ साथ में, इसे पकने देती हूँ जब तक गोल्डन नहीं हो जाएगी। ये देखिए, इसे चलाते हुए इसे पका लेना है। अब इसमें मैं बीन्स डाल देती हूँ। बीन्स को भी मिक्स कर देती हूँ साथ में। ये देखिए, अब इसी में आलू डाल देती हूँ। ये मैंने 2 आलू कट करके रख लिया था, इसे भी मिक्स कर देती हूँ साथ में। अब मसाला घोल लेती हूँ। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लेती हूँ और धनिया पाउडर। ये देखिए, अब इसे मैं पानी डाल देती हूँ मसाले में, चम्मच से घोल देती हूँ, 1 मिनट के लिए रख देती हूँ फूल जाए। ये देखिए, मिक्स कर देती हूँ, बस सब्जी जले ना, इसे चला देती हूँ बीच बीच में। ये देखिए, ऐसे करके इसे मिक्स कर लेना अच्छे से। देखिए, ऐसे मिक्स करते रहना, अच्छे से पक जाएगी तेल में थोड़ा थोड़ा। इसे थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए ढक देती हूँ। ये देखिए, फिर से इसे चला देती हूँ बीच में। अब इसमें ये मसाला डाल देती हूँ घोल के रखा था। इसे भी साथ में मिक्स कर देती हूँ मसाले को। इसे ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए। देखिए, 2 मिनट हो गया है, इसे फिर से चला देती हूँ। इसे ऐसे मिक्स करते रहना बीच बीच में। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ, इसे भी मिक्स कर देती हूँ।
अब ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट हो गया, इसे फिर से चला देती हूँ। अब इसमें एक टमाटर डाल देती हूँ, इसे भी मिक्स कर देती हूँ साथ में। देखिए आलू भी पक गई है। इसे 5 मिनट के लिए फिर से ढक देती हूँ। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे फिर से चला देती हूँ। सब्जी बहुत अच्छी लग रही है देखने में और खुशबू भी आ रही है। ये देखो ये देखिए आलू पक गई है बढ़िया। सब्जी बनके तैयार हो गई है बढ़िया से। इसे ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। ये देखिए फिर से मिक्स कर देती हूँ इसे साथ में। ये देखिए देखिए सब्जी बहुत अच्छी लग रही है देखने में। अब इसमें धनिया डाल देती हूँ, धनिया डालने से खुशबू आने लगेगी, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। देखिए